अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आप लोगों को मेरी तरफ से, बिलाल की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की सबकी, अल्लाह ताला जो है ना, आप लोगों ने जो जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो मैं आपको ईद का फर्स्ट डे दिखाने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है लोग कनाडा में ईद के फर्स्ट डे पे क्या करते हैं और किस तरीके से ईद की नमाज़ होती है। आप लोग एक देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है सुबह सुबह ईद की नमाज़ के टाइम पे। लेकिन मैं बाय चांस जो है ना, इस दफ़ा नहीं जा सकी सुबह सुबह ईद की नमाज़ के वक्त, क्योंकि जोहा और ज़ीनिया में से जो ज़ीनिया थी ना, वो रात को बीमार हो गई थी, उसको बुखार था। तो मुझे था कि सुबह 6 बजे बिलाल के साथ, 7 बजे बल्कि बिलाल के साथ निकलूँगी, तो उसके लिए आगे सारी रात जागी हुई है, वो उधर भी तंग करेगी, ना नमाज़ पढ़ने देगी ना कुछ। और कई लोग जो है ना, वो कहते हैं कि कनाडा में मुसलमान नहीं है, कनाडा में ईद कौन सी, कनाडा का। अब आप लोग इस पार्किंग लॉट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मस्जिद से कितनी दूर जो है ना, वो फुल ऑन पार्किंग लॉट, मतलब पार्किंग ही पार्किंग फुल है। और मस्जिद में माशाल्लाह, कनाडा में मस्जिद में जो हमारी मस्जिद है, उधर 3-3 दफ़ा जो है ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि एक टाइम पे नहीं, 3-3 टाइम पे नमाज़ पढ़ाई जाती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह, जो ईद की नमाज़, मुसलमान इतने ज़्यादा हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं और जो ईद मनाते हैं। कई लोगों का परसेप्शन होता है पाकिस्तान में रह के या कहीं भी रह के, कि बाहर के मुल्कों में तो वो तो नॉन मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे ना ईद होती है, ना कोई जज्बा होता है, ना लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है, कुछ भी नहीं करना होता। मतलब कई लोगों की ये जो है ना मेंटालिटी होती है, लेकिन ये मेंटालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है कि कनाडा में मुस्लिम। मुझे ऐसे फील होता है कि यहाँ पे, मतलब हर जगह के मुसलमान जो है वो मुसलमान मुसलमान होते हैं, हर बंदे का अकीदा डिफरेंट होता है, लेकिन जो है वो आप लोग की सोच है कि यहाँ पे मैंने जितने कवर्ड औरतें और कितनी ज़्यादा जो है ना सही वाली जो होती है ना, मतलब सही आपको इस्लाम से जो जुड़े हुए होते हैं, इवन वो अपने आगे बच्चे छोटे छोटे 4 साल 5 साल की बच्चियों ने स्काफ़ पहने हुए हैं, तो इतनी प्यारी, मतलब कि बचपन से उन बच्चों में इस्लाम का इस नॉन मुस्लिम मुल्क में वो डालना बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब इस उनका बच्चों का इर्द गिर्द का कल्चर डिफरेंट हो, तो उसमें इतना बच्चों के अंदर इस चीज़ का जज्बा डालना बचपन से, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है नॉन मुस्लिम मुल्क में। और अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहना, मस्जिद जाना और सब कुछ करना, सारे अपने जो इस्लामी, सारा जो इस्लामिक कल्चर है उसको नॉन मुस्लिम ममालिक में रिप्रेजेंट करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो जो ये करते हैं नॉन मुस्लिम मुल्क में, उनको जो है वो लिटरली शाबाशी है कि यहाँ पे आप लोग अपने दूसरे जो कल्चर है उनसे इंस्पायर नहीं होते हो, आप अपने कल्चर के साथ, अपनी जो इस्लाम ने हमें, जो दीन ने हमें, जो हमारे मज़हब ने जो हमें बताया है, उसके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। बस यही आप लोग देख सकते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा पार्किंग लॉट फुल थी। खैर, ये मैंने बिलाल को बोला था कि वो जाके जो है ना वो वीडियो बना लें, और साथ में जो है ना वहाँ पे जो ऐप थी ना मस्जिद की, वो हम लोगों ने डाउनलोड की हुई है, तो उसके ऊपर भी था ये नाश्ते की प्रिपरेशंस हो रही हैं मस्जिद नमाज से पहले, और नमाज के बाद उन्होंने रिफ़्रेशमेंट नाश्ता भी सर्व करना था, और साथ में इवन अंदर इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा, मतलब मस्जिद अंदर से इतनी फुल हो गई थी कि बाहर जो है ना सफ़े बिछी थी अपनी अपनी। उन्होंने बोला था कि प्रेइंग मैट्स आप लोग अपने अपने खुद लेकर आएँ, क्योंकि पार्किंग लॉट में भी अब लगा आप लोगों को हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मस्जिद के हॉल और इस मस्जिद के साथ ही इस्लामिक स्कूल भी है,
तो इवन उसका जिमनेजियम हॉल भी और मस्जिद भी, नीचे मस्जिद के भी 3 levels हैं वो भी फुल हो चुकी हैं। तो वो सब कुछ फुल होने के बाद ये आप लोग जो बाहर देख रही हैं, फिर उसके बाद जाके ये बाहर भी जो है ना वो लगे थे। तो बस बिलाल जो है वो टाइम पे पहुंच गए थे, मैंने उनको उठा दिया था टाइम पे, और अल्लाह बस एक कुर्बानी का जज्बा होता है। जो गत्ता होता गत्ते के मैट्स बनाए हैं। और देन वर्सेस द कुरान अल्लाह सुभान व तआला सैद يريدون ان يطفئوا نور الله في افواههم والله مدم نوره ولو كره المشركون। मेरे ब्रदर सिस्टर लोग के पास, look at us, look at us years ago, and look at us now. Mashallah, it was a work of the committee of the Islamic Center, Allah, reading the lines. My friend here. चले जी नमाज हो गई, अब सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे हैं, फ़ज़ा में खुशी का समा है, खूब रौनक और चहल पहल है। अब सबसे पहले तो नाश्ते का इत्तमाम किया जाएगा, जो मेज़ें हैं उनको खोलकर और टेबल्स और चेयर्स सेट की जाएंगी, और आपको दिखाते हैं कि नाश्ते में क्या क्या आइटम्स थे और उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज़ थी। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और अभी इसको एक थम्स अप दे दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी ईद पढ़ रही है, सब ने नमाज सब एक दूसरे से मिल रहे हैं ईद, और यहाँ पर देखें ब्रेकफास्ट के लिए टेबल्स लगे हुए हैं। वो देखें सामने कोई डब्बे खुले हैं, उनमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो बॉक्सेस के अंदर बॉइल्ड एग्स थे, क्रोसॉन थे, कुकीज़ थी, फ्रूट था, मतलब एक एक बॉक्स आपको जो है ना ब्रेकफास्ट में मिल रहा था। साथ में मतलब ऐप के थ्रू या फिर यहाँ पे ऑनलाइन आप टिकट भी ले सकते थे, उसके थ्रू जो है ना वो आप लोग $5 पे करना होता था, और आपने $5 पे करके आपको ये ब्रेकफास्ट का बॉक्स में वो लोग दे रहे थे। साथ में आपको कड़क चाय थी, और साथ ही साथ वो लोग जो है ना साइड पे, जो आप लोगों को आगे एंड तक वीडियो देखेगा, और भी काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए भी थी, वो भी उसी टिकट के अंदर इंक्लूडेड थी। $5 को इतनी बड़ी बात नहीं होती, एक चैरिटी होती है मस्जिद में, वो लोग इतने लोग वॉलंटियर कर रही हैं, फ्री में वॉलंटियर कर रही हैं, तो आपके $5 से किसी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ों में आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसी चीज़ों में हिस्सा आप लोगों को लेना चाहिए। तो बस आप लोगों को आगे देखें कि आगे बिलाल आपको दिखाते हैं कि वो उन बॉक्सेस में क्या क्या डाल रहे थे। फ्रेश कॉस्टको के जो क्रोसॉन नहीं होते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस वो थे, साथ में बॉइल्ड एग्स थे, साथ में फ्रूट था, और कुकीज़ थी कॉस्टको की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ थी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी चॉकलेट कुकीज़ थी और आलमंड कुकीज़ थी, और मतलब डिफरेंट किस्म की कुकीज़ भी थी, तो और साथ में चाय थी, कड़क चाय
एंड साथ में जो ये आप लोग अब देखिएगा, ये जो आगे राइड्स आप लोग देख रहे हैं ना, इसके लिए काफ़ी लाइन लगी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली सब ने पे करके आए हुए थे और इतना रश था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद वो लोग जो है वो उनको टिकट दे रहे थे और जिन्होंने उसी वक्त टिकट लेना था वो भी उसी वक्त पे करके टिकट ले रहे थे। इस तरीके से भाई पूरे पार्किंग लॉट में ना टेबल्स लग गए थे और बस यहाँ पे जो है ना ये बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटी थी। ट्रेन थी, इसको चूचू ट्रेन कहते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग औरतें थीं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे। इट्स नॉट जस्ट के सिर्फ आदमी ही नमाज़ पढ़ने आए थे मस्जिद में, औरतों का प्रॉपर एक सेक्शन अलहदा है मस्जिद का और उधर जो है वो 3 लेवल्स हैं और वो भी फुल होती हैं। जब मैं रमज़ान में भी गई थी मस्जिद में तो वो 3 लेवल्स फुल थी, मैं बच्चों को लेके 3rd फ्लोर पे गई थी। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग कि मुसलमानों में जो है ना वो कनाडा में भी बहुत जज्बा है ईद सेलिब्रेट करने का, जज्बे के साथ अपनों के साथ और ईद की नमाज़ इस तरीके से जो है ना कनाडा में लोगों ने अदा की। और आई होप सो, साथ में साइड पे जो है वो यहाँ पे ट्रैम्पलिन भी लगा हुआ था और साथ में साइड पे जंपिंग कासल भी लगा हुआ था। बस जेंट्स के लिए जिम में और बाहर सफ़ें बिछाई गई थी, लेडीज़ अंदर हॉल से निकल रही हैं नमाज पढ़ के। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए माशाल्लाह अब छोटी छोटी बच्चियों ने किस तरीके से जो है ना प्रॉपर अबाया और स्कार्फ पहन के जो है ना मस्जिद आई हुई हैं।